मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग मेहमान जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी भिंडी में, इसका नाम है कुरकुरी भिंडी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इसको जो है सिंपल से चीज़ों से बनेगी आप देखेंगे, और आप इसको सर्व करते हैं चावलों के साथ, रोटी के साथ और दाल, इसकी एक बड़ी सी कॉम्बिनेशन होती है। सबसे पहला काम जो है भिंडी, यहाँ पे मेरे पास आधा किलो है, इसे मैंने धो करके पहले से आपने इसको वॉश कर लेना है। अगर इसको काटने के बाद धोएंगे तो ये बिल्कुल लेस छोड़ देती है। सिर्फ आपने इसका बॉटम और टॉप काट लेना है, और आपने जो है इनको यूँ लंबाई में एक भिंडी के चार हिस्से कर लेने हैं। तो ये यहाँ पर तैयार है, उसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं, तो इसमें मसाले आप डालेंगे। सबसे पहले मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, ये आप डालेंगे इसमें हाफ अ टीस्पून जितना। नमक इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है, भरकर है। सौंठ बीच में जाएगी हाफ अ टीस्पून जितनी, यानी कि अदरक का जो पाउडर होता है। लहसुन का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून भरकर है। अजवाइन जाएगी इसमें हाफ अ टीस्पून, अगर जायका पसंद नहीं तो आप बेशक जो है इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा मसल के डालेंगे। भुना और कुटा ज़ीरा 2 टीस्पून है। चाट मसाला यहाँ पर, या कोई भी खटाई पाउडर जो होता है, आमचूर पाउडर अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून लेवल। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करते हैं यहाँ पर, अच्छे से इस पर जो है मसाला कोट हो जाना चाहिए, ये देखें ठीक है। उसके बाद आप ऐड करेंगे बीच में 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा, और बेसन छान कर डालेंगे आप 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी कि 3/4 कप जितना। तमाम चीज़ों को मिक्स करें अच्छी तरह, टॉस कीजिएगा ताकि अच्छे से कोट हो जाए, और तेल करते हैं गरम। और फिर नेक्स्ट स्टेप, इसे डीप फ्राई किया जाता है, तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, और इसमें एक आधा पीस डाल के देखते हैं, ये देखें ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर अच्छे से गर्म है, तो यहाँ पर जो है एकदम से आपने ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ उतनी जितनी जो है एक बैच हो जाए, और इसको आपने अच्छे से फ्राई होने देना है। और फिर इसे निकाल करके पेपर टावल या टिश्यू पर रखेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करेंगे, और फिर इसे करेंगे डिश आउट। तो इसे फ्राई हो जाने दें थोड़े थोड़े बैचेस में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये फ्राई अप हो गई है। फ्लेम आपने शुरू से लेके एंड तक हाई पर ही रखनी, क्योंकि जहाँ आप इसको चूल्हे की आंच को कम करेंगे तो जो भिंडी है वो तेल को अब्सॉर्ब कर लेगी, और ये सॉगी हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत क्रिस्पी हो गई, नहीं ऐसा कलर भी जो है गोल्डन सा हो गया ठीक है। इसे निकाल कर मैं एक पेपर टावल या टिश्यू पर रखूँगी, और बाकी के भी जो भिंडी इसी तरह हम फ्राई करेंगे, और फिर इसको जो है हम करेंगे डिश अप। तो देखने से सब इसको बनाते हैं और इसे फ्राई करते हैं, बड़ा खूबसूरत इसका कलर आता है, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं ये ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अगर आपको उसका साउंड आप सुन सकते हैं ठीक है। इस तरीके से जो है ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं, आप इसको सर्व करते हैं सफ़ेद चावल हो जाए, रोटियाँ, दाल, इसकी एक जो है एक बहुत ही मज़ेदार इसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा, पता आपको कैसा लगा। तो हम याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।